दोस्तों, महाराष्ट्र एनसीपी के नेता नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत 22 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। आपको बता दूं कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस नवाब मलिक पर चल रहा है और स्पेशल कोर्ट ने फिलहाल उन्हें राहत नहीं दी है। आपको बताते हैं कि आखिर मामला क्या है। नाम नवाब मलिक, उम्र 62 वर्ष, महाराष्ट्र में मंत्री और एनसीपी के बड़े नेता माने जाने वाले नवाब मलिक पर भगौरे डॉन दाऊद इब्राहिम केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। जब नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई तो नवाब मलिक बड़े गर्मी से अपने हाथों को हवा में लहरा रहे थे और बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे थे, मुझे कुछ नहीं होगा, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हम वापस भी आएंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, सबको एक्सपोज करेंगे, झुकेंगे नहीं। फिलहाल मलिक लड़ तो रहे हैं लेकिन जीत का कुछ अता पता नहीं, क्योंकि मलिक को सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय हाईकोर्ट ने या फिर स्पेशल कोर्ट ने हर तरफ से मलिक को झटके के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है। ईडी ने मलिक की गिरफ्तारी का पूरा पर्दाफाश किया था। ईडी ने कोर्ट में बताया कि मंत्री नवाब मलिक ने मुनीरा बरसे प्लम्बर से 300 करोड़ रुपए का प्लॉट कुछ लाख रुपए में ही एक कंपनी के जरिए खरीदा था और इस कंपनी का नाम सोल्डेसा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड है। और खास बात तो ये कि इस कंपनी का मालिक मलिक परिवार का व्यक्ति है। ऐसे कई आरोप मलिक पर है जिनमें से भगोरे डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर व अन्य सहयोगियों के साथ मिले कई सबूत हैं जो ईडी ने कोर्ट में पेश किए हैं। फिलहाल 22 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है मलिक और जैसे जैसे हिरासत बढ़ रही है वैसे वैसे ईडी द्वारा और भी नए खुलासे सामने आ रहे हैं और अभी तक 500 करोड़ से अधिक की संपत्ति ईडी ने जब्त की है और आगे कई उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आपने देखा कि एक बार फिर अनिल देशमुख के बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और दोनों मंत्री फिलहाल सलाखों के पीछे हैं। नवाब मलिक को कोर्ट से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, अपने सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि ऐसे में शरद पवार संजय राउत के लिए मोदी से बात करने जा सकते हैं, लेकिन नवाब मलिक के लिए नहीं, यानी कि शरद पवार अपने खुद के पार्टी के नेता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। पिछली बार ड्रग केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले समीर वानखेड़े के ऊपर लगातार नवाब मलिक आरोप पे आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में खुद सलाखों के पीछे हैं। खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहें NBC News।